अगर 9 बजे तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है तो 11:30 से 12 के बीच में मैं एक फ्रूट लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर ज़्यादा गैप हो जाए तो लंच में हम ओवर ईट भी कर सकते हैं, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ वेट गेन। लंच में मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी और साथ में वाइट चना। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने से एक ही रोटी में आपको बहुत सारे ग्रेन्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन यूरिक एसिड पेशेंट और थायराइड पेशेंट्स को इस आटे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोया होता है जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। चना मसाला बनाने के लिए मैंने नॉर्मली जैसे हम मसाला रेडी करते हैं सब्जी बनाने के लिए प्याज टमाटर का मसाला रेडी किया है, और उसमें डाले हैं बॉईल किए हुए चनास, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साथ ही चना मसाला। तो लंच में नॉर्मली मैं रोटी सब्जी या दाल राइस ही लेती हूँ, कोई भी अनदर मैंने डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है कभी भी वेट लॉस करने की। तो ये है मेरा आज का लंच, एक कटोरी चना, साथ में कुछ कैप्सिकम ऐड की है क्योंकि मुझे रॉ वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, एक चपाती, सैलेड और 3 टेबलस्पून ऑफ कर्ड या रायता, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 चम्मच देसी घी का क्योंकि गुड फैट बैड फैट को बर्न करता है। फूड के साथ लेमन लेने से आपका फूड एसिडिक से अल्कलाइन बन जाता है। तो अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतना खाना है और अगर मैं इससे डबल लेती हूँ तो हाफ तो बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी और बाकी का हाफ फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तो उतना ही खाना खाएं जितनी जरूरत है। अब ये पता कैसे चलेगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है? अपनी प्लेट में हमेशा कम ही खाना डालें और इतना स्लो खाएं कि एक बाइट को 20 टाइम्स च्यू करके खाएं। थोड़ी ही देर में ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आप फुल हो गए हैं और स्लो खाने की वजह से ओवर ईट से बच जाएंगे। दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ वेट लॉस। अगर ये याद रह जाए तो 3 महीने में आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। रोटी के अलावा कड़ी राइस, दाल राइस, चना राइस, मतलब जनरली जो भी घर में बनता है सिर्फ वही खाना है। राइस और रोटी की क्वांटिटी हमेशा कम रखें क्योंकि ये हाई कार्ब्स है जिसकी फैट लॉस में उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम बॉडी को एनर्जी कम देंगे और यूज ज्यादा करेंगे तो उसे वही एनर्जी स्टोर्ड फैट में से निकालनी पड़ेगी, विच लीड्स यू टू जर्नी ऑफ फैट लॉस। लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो छोटा पीस जैगरी का ले सकते हैं, अदर शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। इवनिंग स्नैक में ज़्यादातर मैं ग्रीन टी लेना ही पसंद करती हूँ, उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस ले लेती हूँ जैसे कि हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। ग्रीन टी में लेमन डाल के पीना बहुत इफेक्टिव होता है। उसके अलावा आप बिना बटर के पॉपकॉर्न्स भी ले सकते हैं और मखानास भी। के दिनों में ग्रीन टी के अलावा एक लस्सी का गिलास ले लेती हूँ और विंटर्स में ग्रीन टी के अलावा ले लेती हूँ एक बाउल ऑफ सूप। मेरे चैनल पे हेल्दी सूप की रेसिपी की एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। डिनर में ले रही हूँ 1 कटोरी चिकन, साथ ही ब्लैक पेपर पापड़ जिसे मैंने तवे पे रोस्ट किया है, 1 चपाती और साथ ही ग्रीन चटनी। जो फूड हम बचपन से खाते आ रहे हैं अगर वही फूड हमें वेट लॉस में हेल्प करता है तो किसी और डाइट प्लान की क्या जरूरत है। लंच और डिनर में 1-1 चपाती कम करने से मंथ की 60 चपातीज कम हो जाती हैं, कि हर मील में बहुत सारा गैप ना होना और बहुत चबा के खाना खाने से आप ओवर ईट से बच जाते हैं। आप माने ना माने लेकिन यही चीजें आपको वेट लॉस में अमेजिंग रिजल्ट देती हैं और आपका लाइफ स्टाइल बन जाती है और जिंदगी में कभी आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। ड्यूरिंग वेट लॉस में अपना डिनर बिफोर 7:30 कर लेती थी विदाउट किसी का वेट किए हुए, और आज भी मैं अपना डिनर सोने से 2 घंटे पहले कर लेती हूँ। डिनर में चिकन नहीं तो सब्जी हो या दाल, आपको 1 चपाती के साथ सिर्फ 1 कटोरी ही खानी है। 35 के बाद बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम की एक टैबलेट लेना बहुत जरूरी है जिसको मैं आफ्टर डिनर लेती हूँ। तो देखा आपने, फूड वही सेम है लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसके खाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।